आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ईएफ कॉड रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। मीन से ईएफ कॉड के कुछ रूल्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके पहले की क्लास में हमने रिलेशनल कैलकुलस के बारे में देखा था। चलिए स्टार्ट करते हैं ईएफ कॉड रूल्स के बारे में। सबसे पहले ये जानते हैं कि ईएफ कॉड रूल्स क्या बोलते हैं। ईएफ कॉड रूल्स में सन 1970 में ईएफ कॉड ने रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप किया था। मीन्स 1970 में ईएफ कॉड ने RDBMS को मीन्स रिलेशनल मीन्स दो टेबल के मध्य रिलेशन किस तरह से बनाया जाता है इस तरह के रिलेशन को तैयार किया डेवलप किया था। और सन 1985 में इन्होंने इस मॉडल को के लिए 12 रूल्स दिए थे, नियम 12 नए नियम दिए थे जिसके आधार पे इन्हें ही कहा जाता है ईएफ कॉड के रूल्स। कॉड रूल्स जो होते हैं यही कहलाते हैं ये कॉड रूल्स। अब देखते हैं कॉड रूल्स में कौन कौन से रूल आते हैं इसके अंतर्गत। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आता है, फर्स्ट रूल आता है रूल ऑफ इंफॉर्मेशन। इस प्रकार के रूल में सब डाटा को टेबल फॉर्म में प्रेजेंट करना होता है। इस फॉर्मेट में मुख्य रूप से जो रूल्स होते हैं उनके रूल्स को रूल ऑफ इंफॉर्मेशन, इसमें सूचना देना जरूरी होता है कि सब डाटा टेबल के फॉर्म में किस फॉर्म में प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है रूल ऑफ गारंटीड एक्सेस। इस रूल में सभी डाटा को बिना एरर या परेशानी के एक्सेस किया जा सके। मीन इस रूल के आधार पे कि किसी भी डाटाबेस को आसानी से बिना एरर या किसी परेशानी के आसानी से एक्सेस किया जा सके, ये कहता है कॉड रूल का रूल टू। थर्ड रूल जो होता है रूल ऑफ सिस्टमैटिक नल वैल्यू सपोर्ट। कई बार ऐसा होता है कि टेबल्स के अंतर्गत रिलेशनल टेबल में ऐसा होता है कि मान आपका नल होता है, मीन्स नल वैल्यू मीन्स जो कि पूरी तरह से ब्लैंक होती है। तो ये जो रूल थ्री है वो ये बोलता है कि इस रूल में RDBMS को नल वैल्यू सपोर्ट करना चाहिए, नल वैल्यू को सपोर्ट करना चाहिए, चाहे इसका मान जीरो हो या इससे निम्न हो, इसके लिए इसको सपोर्ट करना जरूरी है, जो कि कॉर्ड रूल थ्री बोलता है। फोर्थ आता है रूल ऑफ एक्टिव एंड डायनेमिक ऑनलाइन रिलेशनल डेटाबेस रिलेशनल कैटेगरी। ऑनलाइन सिस्टम कैटेगरी ये जो मुख्य रूप से है ये सिस्टम कैटेगरी का वह टेबल होती है जिसमें डेटाबेस जो होता है RDBMS जो होता है मुख्य रूप से अपने यूज करने के लिए रखता है, और इन टेबल में डाटाबेस का स्ट्रक्चर होता है। ये एक तरह की ऐसी टेबल्स हैं जिनका मुख्य रूप से प्रयोग उस टेबल के स्ट्रक्चर और उसके डेटा को यूज करने के लिए रखा जाता है। नेक्स्ट आता है रूल ऑफ कंप्रेहेंसिव डाटा सब लैंग्वेज। डाटाबेस को कम से कम एक लैंग्वेज में डिफाइन करना आवश्यक है, डिफाइन जरूर करना है, जिसके द्वारा डाटाबेस में डेफिनेशन या ट्रांजेक्शन किए जा सके। मीन्स अगर किसी प्रकार के डेफिनेशन या किसी प्रकार के ट्रांजेक्शन किए जाने हैं जिससे आसानी से किया जा सके। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर सिक्स। रूल नंबर सिक्स रूल ऑफ अपडेटिंग व्यू। व्यू सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि व्यू क्या होता है। किसी भी टेबल का इमेजिनरी पार्ट व्यू कहलाता है। डाटा को लॉजिकल कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट करना व्यू कहलाता है। लॉजिकल कॉम्बिनेशन जो होता है उसमें प्रेजेंट करना व्यू कहलाता है, तथा हर व्यू में एक्चुअल टेबल तक पहुंचना पॉसिबल होना चाहिए। मीन्स हर व्यू से एक्चुअल टेबल तक आसानी से पहुंचना, ये एक इमेजिनरी पार्ट है, एक व्यू है। मीन्स ये कि टेबल की एक कॉपी है, ये एक व्यू कहलाती है, जो कि मुख्य रूप से इस व्यू से मेन टेबल तक एक्चुअल टेबल तक पहुंचना संभव होना चाहिए। नेक्स्ट रूल जो है रूल ऑफ सेट लेवल इंसर्शन अपडेट एंड डिलीशन। मीन्स RDBMS को यह रिलेशन जो होता है ये ऑपरेशन सपोर्ट करने के लिए चाहिए। मीन्स ये तीनों ऑपरेशन जो होते हैं मुख्य रूप से इंसर्शन करने का, अपडेट करने का और डिलीट करने का, ये तीनों ऑप्शन ये
ये ऑपरेशन मल्टीपल रो टेबल के लिए सेट होना चाहिए। नेक्स्ट आता है रूल ऑफ फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। इस रूल में यूजर को डाटा को स्टोर करने के लिए फिजिकल मेथड से अलग करना, मीन्स फिजिकल मेथड से के माध्यम से अगर किसी डेटा को इंसर्ट किया जा रहा है या रखा स्टोर किया जा रहा है तो इसमें मुख्य रूप से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। डेटा को का पूरी तरह से एक दूसरे डेटा से या दूसरे एटीट्यूड से इंडिपेंडेंट होना आवश्यक है। नेक्स्ट रूल आता है रूल ऑफ लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस में क्या आता है, इस रूल में टेबल का स्ट्रक्चर बदलने पर डाटा को व्यू बदलना चाहिए। मीन्स मुख्य रूप से टेबल का अगर स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जा रहा है तो डाटा को व्यू को बदलना आवश्यक है, जरूरी है। नेक्स्ट रूल के अंतर्गत रूल ऑफ इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस। इस रूल में प्राइमरी की का कोई भी कंपोनेंट नल वैल्यू नहीं हो सकता। मीन्स अगर इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस की बात की जाए तो प्राइमरी की का जो प्राइमरी की है जिसमें कोई भी कंपोनेंट नल वैल्यू नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में, क्योंकि प्राइमरी वैल्यू में नॉट नल और यूनिक वैल्यू का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। नेक्स्ट रूल के अंतर्गत रूल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस। डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस मुख्य रूप से मौजूदा डाटाबेस में ये किसी भी डेटा को इंडिपेंडेंट रूप से शेयर किया जा सके। इस रूल में कंप्यूटर सिस्टम पर मौजूद डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा को मैनिपुलेट किया जा सके। नेक्स्ट एंड लास्ट रूल ये बोलता है रूल ऑफ नन सबवर्जन। इस रूल में बिना डाटाबेस लैंग्वेज के डाटाबेस के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई ना किया जा सके। मीन्स डाटाबेस लैंग्वेज के बिना किसी भी डाटाबेस के स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो ये देखें हमने आज ये 12 रूल्स जो कि कॉर्ड रूल्स कहलाते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।